हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रेरणा, आप देख रहे हो हिंद्रेक वीडियो। और अगर आपके पास दोस्तों एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप है और कोई भी लैपटॉप है, और उससे अगर आप अपने एमआई की स्मार्ट टीवी और कोई भी स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो वायरलेसली, तो इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपने लैपटॉप को वायरलेसली अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ एक वाईफाई की और एक हॉटस्पॉट की। आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसे आप कास्ट कर सकते हो अपने स्मार्ट टीवी के अंदर। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों एमआई का स्मार्ट टीवी एज वेल दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास है एसर का इंस्पायर 7। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बाजा आइकन को आप जरूर से दबाइएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दोस्तों, आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन और हॉटस्पॉट कनेक्शन होना चाहिए। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूं मेरा जो लैपटॉप है, इसे हम पहले जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्टेड कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख पाओगे मेरा जो वाईफाई है दोस्तों उसके साथ मैं कनेक्टेड कर लिया हूँ मेरे लैपटॉप को। एंड एज वेल दोस्तों मेरा जो टीवी है उसको भी दोस्तों आपको सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड करना होगा। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा जो टीवी है दोस्तों सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। सो आपके लैपटॉप के ऊपर दोस्तों जो वाईफाई होगा सेम वाईफाई के साथ भी आपका जो टीवी है उसे कनेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके टीवी के ऊपर क्रोम कास्ट भी होना चाहिए। उसे चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपको क्रोम कास्ट का भी यहाँ पर मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर हमारा क्रोम कास्ट हमें दिखाई देती है। सो आपका जो क्रोम कास्ट है दोस्तों उसका भी जो ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पर अब नहीं देख पाओगे। सो यहाँ पर देख पाओगे क्रोम कास्ट बिल्ड इन का ऑप्शन हमें मिलता है। सो क्रोम कास्ट हमारा जो एम आई टी वी उसके अंदर मिलता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ जरूरत होगी एक एप्लीकेशन की, और जो एप्लीकेशन है तो बड़ा ही कॉमन सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्रोम। यस, आपको गूगल क्रोम के साथ दोस्तों हम यहाँ पर कास्टिंग करने वाले हैं। एंड सिंपली हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमका जो हमारा जो क्रोम है दोस्तों ओपन हो गया है। सो उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पर जो थ्री डॉट आप देख पाओगे, थ्री डॉट में टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, देख पाओगे आई एम श्योर। कास्ट में टैप कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड टीवी, यहाँ पर आपका जो टीवी है वो दिखा देना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर से आप ट्राई कीजिए, आपका जो वाईफाई है उसे रिमूव करके फिर से डालिए अपने लैपटॉप एंड अपने कंप्यूटर के ऊपर, काम कर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलेगा सोर्स के अंदर, सोर्स टैब, सोर्स डेस्कटॉप एंड सोर्स फाइल। अगर आप सोर्स के अंदर ये कास्ट टैब करोगे तो दोस्तों जो क्रोम है वही दिखाएगा, बाकी कोई भी टैब नहीं दिखाएगा और कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा। बट अगर आप कास्ट डेस्कटॉप करोगे तो पूरा डेस्कटॉप दिखाएगा, अगर आप कोई फाइल करते हो तो फाइल ही दिखाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर कास्ट डेस्कटॉप में टैप करूंगा, उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी में टैप करेंगे, उसके बाद आपका जो यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर आपको शेयर में टैप करना होगा। उसके बाद आपका जो टीवी है दोस्तों, देखिए टीवी के अंदर पूरा पूरी यहाँ पर क्रोम मेरा जो है वो आ गया है। यहाँ पर पहले हम जो साउंड है उसे बंद कर देते क्योंकि मेरा पीछे GTA 5 चल रहा था। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे टीवी यहाँ पर हमारा आ गया है। एंड एज वेल अगर मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ तो मिनिमाइज भी हो जाती है। सो आप दोस्तों अपने टीवी के अंदर गेम भी खेल पाओगे। सो यहाँ पर हम दोस्तों मेरा लैपटॉप का जो स्क्रीन है दोस्तों मेरे टीवी के अंदर मैं कास्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों गेम्स को भी खेल पाओगे। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास GTA है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है, फीफा 19 भी है। सो आप सिर्फ क्रोम ही नहीं दोस्तों, आप कोई भी चीज को यहाँ पर खेल पाओगे एंड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमें मिलती है। एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर डिले जो है दोस्तों डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट है दोस्तों, आप इसके अंदर आराम से गेम प्ले को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, गेम प्ले को भी मजा ले पाओगे। पर आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा, लगभग 1 सेकंड का यहाँ पर डिले मिलेगा। एंड जस्ट बिकॉज दोस्तों ये वायरलेसली होती है इसलिए थोड़ा सा डिले तो मिलता ही है, बट बहुत ही काम चलाओ है एंड बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर मिलती है। सो आप इस ट्रिक यूज कर सकते हो। सिंपली आपके पास दोस्तों एक क्रोम होना चाहिए एंड क्रोम एक कॉमन चीज है दोस्तों, क्रोम तो मिलता ही है। क्रोम में दोस्तों आपको जाना होगा सिंपली कास्ट के अंदर, एंड कास्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड टीवी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों कास्ट टैप, कास्ट डेस्कटॉप, कास्ट
फाइल का भी ऑप्शन मिलेगा। सो सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट में जाइए, उसके बाद कास्ट में जाइए, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ से कास्ट कर दीजिए। सो बहुत ईजी है दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से आप कोई भी लैपटॉप के अंदर, कोई भी स्मार्ट टीवी के अंदर आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसे आप कास्ट कर पाओगे, गेम्स को भी खेल पाओगे। अगर आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है दोस्तों तो ये टोटल डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन होना ही पड़ेगा आपके पास। एनीवे आशा करूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।